आज भले ही भारत एजुकेशन में पीछे माना जाता है, बहुत से देशों से पीछे है, तो बहुत से देशों से भारत आज भी एजुकेशन में आगे है, लेकिन एक समय था जब भारत देश में दूर दूर के प्रदेश के दूसरे देश के लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। मैं बात कर रही हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, जो सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उस समय यहाँ पे विदेश के लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे और हर तरह की शिक्षा मिलती थी उनको। आज यहाँ के लोग बाहर जाके वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आज खंडहर के रूप में है ये, और इसका नाम भी नालंदा खंडहर रख दिया गया है। जब पहले लोग यहाँ आते थे तो शिक्षा के लिए आते थे, एजुकेशन लेने के लिए आते थे, आज यहाँ पे लोग घूमने और सेल्फी लेने आ रहे हैं। यहाँ पे ये खंडारा देखने आए थे। ये बहुत ज्यादा पुराना विश्वविद्यालय था, ठीक है, जो आज हम लोग इसको खंडर के नाम से जानते हैं। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए सीसी बटन पर क्लिक करें, फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। यहाँ पे वैसे कुछ है तो नहीं, बस ये ईटा है और कुछ ईटा जो है नीचे धस चुका है, तो वो तो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ ये ऊपर ऊपर जो ईटा है वो दिख रहा है, वही है बस यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मंजस कुमार। कहाँ से आए हैं? चंपारण से। किस काम से आए? एग्जाम देने हैं। किसमें पढ़ते हैं? पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री, कौन सा कॉलेज है आपका? मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। हम लोग का एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएशन का। किस चीज़ से? ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का, इसी यूनिवर्सिटी से आप कर रही हैं? और पढ़ाई कहाँ पे करती हैं? पढ़ाई मतलब था पहले एक पटना में बिस्कुमान फोन में होता था, लेकिन अब चेंज होके यहाँ पे आ गया। अभी भी यहाँ विदेश के बच्चे आते हैं पढ़ने? उतना मालूम नहीं है। आप देखते नहीं हो? समझ में आ जाता ना फिर? बस नहीं, बस अपना आसी पासी के सब बच्चा पढ़ता है, इंडिया नहीं है, बस छपरा जिला, सिवान जिला, चंपारण आस पास के सब है। बिहार तक में सीमित है? हाँ, बिहार तक सीमित है। खर्च में भी कोई अंतर है और जगह से और कॉलेज से? नहीं, खर्च में भी मतलब उतना नहीं लगता है, अब जितना हिसाब से लगना चाहिए उतना तो लेगा। अच्छा, इसमें जैसे अक्सर देखा जाता है यूनिवर्सिटी हो या ग्रेजुएशन करना होता है तो जो कास्ट को लेकर के होता है ना, पैसा कम कहीं? नहीं नहीं, यहाँ पैसा कुछ नहीं है, सबको एक बराबर। हाँ, इक्वल ही है। अगर आप एससी से हैं तो भी पैसा उतना ही पे? हाँ, सबको सबका एक ही बराबर है। इसमें स्कॉलरशिप कैटेगरी नहीं है? नहीं, बस बॉय का थोड़ा ज्यादा लगता है, गर्ल्स का कम लगता है। यहाँ का बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जितना सुना था उससे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। क्या समझ में आ रहा है देख के, मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत पुराना पुराना यहाँ अभी तक बना हुआ है, ईट भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा ईट भी देख रहे हैं, पहले जमाना का अब वैसा देखने को नहीं मिलता है इधर। यहाँ पे हम लोग का अच्छा लगा, इस तो खंडहर हो गया है यहाँ का ईंटों का, यहाँ का जो जोड़ाई के मिस्त्री जो काम किए हैं, अब तो ऐसा कर भी नहीं हो सकता है। आज इसको जोड़ाई का काम किया गया, यहाँ का ईंटों की साइज भी है अच्छी, पहले के जमाने में काम जो नहीं हो सकता है। हाँ भाई, अपने प्राचीन में चले जाते हैं कि हाँ भाई हमारा प्राचीन ऐसा था, कि हमारा एक होता है फिल्म सुनते आ रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बिहार में इसको देखने के बाद लगता है नहीं यार, बिहार में था बहुत कुछ था। यहाँ पे जो था पहले लाइब्रेरी था, ठीक है पुस्तकालय था, जो कि अभी अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ, अभी यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंजिंग हुई हैं पहले के अकॉर्डिंग। बस मैं इतना ही, अभी अभी तक तो मैंने इतना ही घूमा, मैंने आगे भी गया, मैं अभी आगे गई नहीं हूँ। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, ये हमारा गाना था, ये हमारे स्कूल में गाया जाता था, लेकिन वहीं से 2 क्लास से पढ़ाया जाता था नालंदा, तो इस वजह से नालंदा हमारे दिमाग में बचपन से भरा है कि हाँ नालंदा भाई है। मैं सोची थी कि जाऊंगी तो वहाँ घूमूंगी जरूर, क्योंकि मैंने सुना था कि इस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बख्तियारपुर स्टेशन बनाया गया। खंडौर के नाम से घूमने आते हैं? खंडौर में कोई घूमने जाता है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए इन लोग को, क्योंकि हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, इस पर इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको विश्वविद्यालय के नाम, पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाना चाहिए। लेकिन वो जैसे हम पूछे ना कि तो कि कहीं घूमने का है जगह पे यहाँ पे, तो बोले कि अभी है नालंदा खंडर के नाम से जाना जाता है, तो हम बोले चलिए आते हैं घूम के। खबर लहरिया,
आपकी खबर आपकी भाषा।